हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं दलिया का पोहा। तो इसे आज हम कुकर में बनाएंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम एक कुकर लेंगे, इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। तो ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 लाल मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो और डाल सकते हैं। और 1 बड़ा साइज कटा हुआ प्याज। प्याज को भून लेंगे पहले अच्छी तरह से। तो प्याज भून चुका है, अब हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे। तो यहाँ हम डालेंगे 1/2 कप कटा हुआ गाजर, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप मटर। अब इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। तो ये थोड़ा सा भून चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चुकंदर। उसके बाद डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। ऐसे 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। तो सब्जी हमारा भून चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे दलिया। ये होममेड दलिया है, इसे अच्छी तरह से हमने साफ कर लिया है। तो इसे देख सकते हैं, साफ करके धो कर रखा था इसे। तो इसे पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो दलिया डालकर हम 2 मिनट इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। लास्ट में हम ऐड करेंगे टमाटर। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें पानी। जितना दलिया उसका डबल पानी डालना है। तो यहाँ हम 1 कप दलिया लिए थे, 2 कप पानी डालेंगे। अब इसे 2 से 3 सीटी आने तक पकने देंगे ढक्कन लगाकर। तो कुकर खोल के देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है। तब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो ये पोहा बनकर अब रेडी है। तो इसमें हम डालेंगे अब धनिया पत्ता। अब गर्मा गर्म सर्व करिए। और सब्जी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो और आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं, या स्किप कर सकते हैं जो ना पसंद हो। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और